kick. Kaju katli. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे मेरी तरह। तो अभी टाइम हो गया, 11 बज गए हैं और मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं। आज मैं मॉर्निंग से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अगर आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, बहुत अच्छा है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, सारे काम मेरे खत्म हो गए हैं, बस मुझे कपड़े डालने हैं सूखने के लिए। बाकी सब काम मैंने खत्म कर लिया है क्योंकि अंदर बैठी हुई है और मैं बाहर हूँ। चलिए आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए बेल आइकन के साथ, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, तो ये वाली कुर्ती दिखाती हूँ। ये वाली कुर्ती मेरी कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे छोटे छोटे रेड कलर के टैसल लगे हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सी कुर्ती है डेली के लिए, और रेड कलर की लेगिंग मैंने इसके साथ वेयर की है। और आज मैंने थोड़ा अलग सा हेयर स्टाइल किया है, ये वाला। तो कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से चेंज करना। तो ये वाली कुर्ती मैंने डाली थी दमन में, और मैंने वहाँ पे डाला था, ब्लॉग डाला था दमन के किले का। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा, पूरा मैंने किला मतलब दिखाया था उसमें, और अंदर क्या क्या है किले के अंदर, वो चीज़ें भी सारी मैंने उसमें की दिखाई थी। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये फेरेलाइट ना 2-3 दिन हो गए हैं, ख़राब तो नहीं हुई है वो, लेकिन जो ऊपर वहाँ पे प्लग लगा हुआ है वो थोड़ा ख़राब हो गया मुझे लगता है। तो मैं अखिल को बोल रही थी कि इसको ठीक कर दे, तो नहीं चालू हो गया। ये वाला प्लग है, ये नहीं चल रही अभी, और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि फेरी लाइट ना चले रूम में। बहुत अच्छा लगता है जब ये चला के रखते हैं ना इसको, ये देखिए बाहर। तो यहाँ पर भी लगाई हुई है, और ये वाले मिरर के ऊपर भी यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं चल रही है। तो शाम को देखूंगी, अखिल को बोलती हूँ याद से उसको, देखो क्या हो गया उसका, क्यों वो प्लग नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत यहाँ पे आती रहती है इस वाले घर में ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहती है 24 घंटे। मुझे तो बहुत अजीब सही लगता है कभी कभी। बस ये वाली थोड़ी अच्छे से जल रही है मेरी, मुझे टेंशन नहीं है। और ये बाहर वाली भी जो हाल में लगाई हुई है, और मैं इस तरफ से जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय। आए चाबी, चाबी निकाल लेंगे और कहीं छुपा लेंगे। ठीक है, आज दरवाज़ा बंद कर ले। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा काम है मुझे, और श्रुति का कुछ नोट्स के लिए, उसको नोटबुक चाहिए नोट्स बनाने हैं उसको, और कुछ पेन वगैरह भी चाहिए। तो यहाँ पास में मार्केट है, देखती हूँ अगर मुझे पता चलता है तो। कल भी वैसे मैं जाके आई हूँ, लेकिन कल नहीं पता था उसको, आज मेल आया है तो आज बनाने हैं उसको, और कल उसको सबमिट करने हैं। तो मैं देखती हूँ जाके कैसा लगता है, पता चलता है कि नहीं मुझे। तो यहाँ पे सारा काम तो मेरा हो गया और पास में ही हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ घर, जो भी मुझे चाहिए था वो सारा सामान मिल गया। अभी
मेरा सब्जी का काम भी ख़त्म हो गया और इसके बाद मैं जाऊंगी अभी घर, क्योंकि बहुत धूप हो गई है। हमारे घर में आई है तीन तीन मछलियाँ। नहीं नहीं, काजू कतली टाइगर है। ओ वाह, नाम भी डिसाइड हो गया आज तो। इनका थोड़ा ना पानी कम करके ना टैंक में डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इनको खाली करेंगे, ठीक है? चलो ये नई नई फिश नई जगह पे। तो मार्केट जाके मैं आ गई और आज मैं लेके आई हूँ अपने फिश टैंक के लिए तीन फिश। ये वाली है तो मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली, और इनको काफ़ी देर हो गई अभी डाले हुए पानी में, तो इनको निकाल के मैं, मतलब अब इनको मैं लिफाफे में से निकाल दूँगी और ऐसे ही डाल दूँगी। बहुत अच्छी लगती है ये वाली फिश ना, अभी छोटी छोटी फिश हैं ये, तो थोड़े टाइम में बड़ी हो जाएंगी। और इनका दाना भी नहीं मिल रहा था मुझे, जो फिश फूड होता है वो नहीं मिल रहा था मुझे, तो उसके लिए भी मैं मार्केट गई थी और सारे काम मेरे ख़त्म हो गया। जब तक मैं वापस आई ना तो शिल्पी ने सारा काम कर दिया था घर का, तो मैं सोच रही हूँ इनको डाल देती हूँ फिश टैंक में, ताकि जब चलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो और दवाई वगैरह लेके आती हूँ, शिल्पी की नोटबुक्स लेके आती हूँ, वो लेके आ गई है, और साथ में लेके आई हूँ वाटरमेलन, जो कि ये सीज़न का पहला वाटरमेलन लेके आई हूँ मैं। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि लेके आऊँगी लेकिन जाना नहीं हो रहा था, तो आज मैंने, कल और आज दो दिन मैंने अखिल को बोला था कि स्कूटी नहीं लेके जाना, तो वो स्कूटी छोड़ के गया था, आज भी वो बस से ही गया है, तो इसलिए मेरे जल्दी से काम हो गया। अभी थोड़ा दो दिन लगातार गई हूँ ना मार्केट, तो मुझे आइडिया भी लग रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी, मेडिकल स्टोर का भी मुझे थोड़ा पता चल गया, और कहाँ पे मेरी मछलियों के लिए खाना मिलेगा वो भी मुझे पता चल गया। तो मैं इनको डाल देती हूँ पहले पानी में। तो जो इनका पानी है उसको मैं फेंक दूँगी और जो फिश है खाली उनको ही डालूँगी फिश टैंक के अंदर। मैं खाली करके आती हूँ। मैंने फिश को डाल दिया फिश टैंक के अंदर, आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसी लग रही है वो, एकदम भरती है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत खुशी होती है उनको देख के। दो तो यहाँ पे है ये और एक ये है, ये वाली, और ये तो हमारी पुरानी वाली है, थोड़ी बड़े साइज की है ये छोटी छोटी सी हैं दो। चलिए तो मैंने इनको डाल दिया पानी में, अभी थोड़ी देर शांत रहेंगी, उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं। और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा वीडियो का एडिट और आपसे मिलूँगी लंच करने के बाद, क्योंकि पौने एक हो गया है, तो शिल्पी अभी आएगी, जो काम कर रहे हो ख़त्म करके उसके बाद फिर हम लंच करेंगे और फिर मैं आपसे सीधे मिलूँगी चाय पे। और अभी हम आए हैं ना
नक्षत्र गार्डन में आया शिल्पी, तो शिल्पी का मुझे डांस शूट करना था उसके लिए। बहुत अच्छी जगह है ये, पहले भी मैं आई हूँ यहाँ पे शिल्पी के साथ, लेकिन आज जो मेन गार्डन है वो बंद है, तो हम बाहर की तरफ रिवर फ्रंट की साइड हमने शूट किया उसका डांस। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके ना, इस तरफ ये रिवर है और ये नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, यहाँ से आप नीचे भी जा सकते हो। यहाँ पे लोग ना इवनिंग वॉक के लिए भी आते हैं, खूब सारी लेडीज बच्चे जेंट्स सब लोग, तो इवनिंग वॉक के लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो रिवर फ्रंट है उसके साइड साइड में काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं मेरे पीछे। तो गाना तो हमने शूट कर लिया, अभी जा रहे हैं घर हम वापस। तो चलिए करती हूँ इसके साथ ही वीडियो का एंड, और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, और बेल को प्लीज ऑल पे क्लिक करिएगा। और अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, इसके बाद हम रेस्ट करेंगे और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।